वेलकम टू एसी प्लस एन ऑनलाइन लेक्चर प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जेई का प्री का जो पेपर था वो 22, 23 और 24 मार्च के दिन था और आज है 24 मार्च, और आज इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। और यहाँ पर हमारे पास कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम एक ब्रीफिंग लेने वाले हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है वो कैसा पेपर रहा है। तो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें रीजनिंग पोर्शन की, तो रीजनिंग में जो करंट अफेयर है, मतलब रीजनिंग अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिंपल हैं या पहले की तरह डिफिकल्ट हैं? नहीं, इजी है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा करने में से, कुछ लेंथी हैं, बाकी तो सब इजी आए हैं, मोस्टली सारे इजी थे। 42 अटेम्प्ट किए हैं मैंने तो। सिविल और मैकेनिकल में स्टूडेंट्स ने कहा था कि सीरीज या एनालॉजी से कुछ स्पेशल या नए टाइप की वैरायटी देखने को मिली है, तो ऐसी कुछ नई वैरायटी थी इस बार पेपर में? यस सर, नए टाइप के करंट अफेयर, मतलब सीरीज व एनालॉजी, उसी में टाइम लग रहा था, बाकी 40-45 अटेम्प्ट कर सकते थे अपन। मतलब रीजनिंग में इजी 40-45 अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब सिविल और मैकेनिकल का जो कल पेपर हुए हैं उनके कंपैरिजन में आज का जो पेपर है रीजनिंग का वो पैटर्न थोड़ा सिंपल होगा? सर तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, उसमें अगर जो यस सर जो अगर सीरीज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर स्किप करके उसको बाद में करता है तो वो बेटर होगा उसके लिए भी। मतलब रीजनिंग के पोर्शन को कुछ टाइम के लिए शुरुआत में हम स्किप कर दें, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो एक बार वन गो में बन रहे हैं उन्हें बना लें। ठीक है, आपने कितना रीजनिंग में स्कोर किया, मतलब अटेम्प्ट किया अभी रीजनिंग में, कितने पेपर क्वेश्चन? अप्रोक्स 40। आपने? 42 38 आपने अटेम्प्ट किया। आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर मेरा 35 मिला सर, टाइम कम मिला था। अगर अब हम जीएस के पोर्शन की बात करें तो जीएस में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो होता है, जनरल साइंस, उनका पोर्शन अभी वैसा का वैसे ही है जैसा पहले आता था? पॉलिटी से एक आर्टिकल आया था, 14 नंबर आर्टिकल था। उसके बाद ज्योग्राफी से रिवर पूछी थी यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए थे। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स था? यस फिजिक्स था, विटामिन से क्वेश्चन था, बायो में केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों था, बट ज़्यादा क्वेश्चन बायो पर होंगे, विटामिन पर बेस, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। ठीक, अच्छा अगर हम करंट अफेयर का बात करें तो करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है, मतलब कितना, कौन से मंथ, कौन से ईयर का? फरवरी से 2020 से पूछा गया है, फरवरी 2020 से, फरवरी 2020 से टिल डेट तक, जितना भी जो जुलाई नहीं था, जुलाई 2021, जुलाई 2020 से पहले का ही क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा 2020 का पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। अगर टेक्निकल के पैटर्न पेपर की हम बात करें तो जैसा जनरल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इलेक्ट्रिकल के लिए रहता है, नेटवर्क, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, जो जनरल वेटेज एसएससी जेई का हर बार रहता है, क्या इस बार भी पेपर का पैटर्न या वेटेज उसी प्रकार से था? वैसे ही था जैसा, मतलब रहता जैसे है पहले वैसे ही, अभी बिल्कुल सेम ही था। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेसिक, जैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल का वेटेज होता है कि मैग्नेटिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़े बहुत मैग्नेटिक से इस बार भी थे। अच्छा, मैग्नेटिक से क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं लगभग 100 में से? 10-15 थे, 10-15 प्रीवियस एसएससी जेके क्वेश्चंस वो रिपीट कर रहा है। व्यक्ति ने पढ़ा अच्छे से तो वो बता सकता है, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर थे कि वो मतलब एनर्जी स्टोर करता है नहीं करता है, उस प्रकार से टाइम कांस्टेंट वगैरह के ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। तो अगर टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज था, लेकिन इस बार इन्वर्टिंग नॉन इनवर्टिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर से क्वेश्चन आया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन की बात करें तो कितने क्वेश्चन होंगे लगभग 20 के आसपास? चार से पांच क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस थे। सर ट्रांजिस्टर के सिर्फ टाइप पूछे थे कि पीएनपी और एनपीएन टाइप होते हैं, बस बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए थे, बेसिक चीज़ बहुत बेसिक था, पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट थोड़ा सा लगा था। इलेक्ट्रॉनिक्स से न्यूमेरिकल अच्छा पूछ लिया था सर, न्यूमेरिकल उस टाइप के फर्स्ट टाइम ही देखने को मिले कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से भी न्यूमेरिकल बन के आ रहे हैं इस बार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में पोर्शन में से एम्पलीफायर से भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज़ जो अगर बात करें टोटल जितने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं
उसमें से सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चन पूछे गए? मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, मतलब जैसा वेटेज हमेशा रहता है वैसा ही रहता है। अच्छा, ऐसा कुछ वेरी, हाँ, ज्यादा डाइवर्सिटी इस बार कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिला, एक जनरल जो होता है वैसे ही था, बस पिछले जैसे ही। चलिए, पिछले बार टेक्निकल थोड़ा हेवी आया था, इस बार टेक्निकल हेवी नहीं आया, मतलब इस बार टेक्निकल रिलेटिवली सिंपल था। अगर टोटल 200 में से बात करें तो आपने कितना अटेंड किया 200 में से? 146 155 अटेंड किया है, 160 के आसपास आपने अटेंड किया, तो मतलब अगर आपने थ्रू आउट द ईयर अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप 200 में से हम बोल सकते हैं 155 के ऊपर अटेंड आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर पेपर जैसे पिछली बार जो हमारा कट ऑफ गया था इलेक्ट्रिकल के अंदर वो 155 के आसपास था, ठीक है, 152-155 के बीच में। इस बार पेपर टेक्निकल थोड़ा सिंपल है, जीएस भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, रीजनिंग भी इतना इस वाले शिफ्ट में डिफिकल्ट नहीं है, इस वाले शिफ्ट में सिविल में और मैकेनिकल में थोड़ा सा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं वापस से 155 के आसपास ही रहेगा। उससे क्या दो नंबर ही ज्यादा से ज्यादा मतलब आगे या पीछे वेरी कर सकता है, बस इससे ज्यादा उससे ज्यादा वेरी नहीं कर सकता, मतलब कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़ सकता है 155 से, कम हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि पिछले बार 40 सीट थी और इस बार 80 सीट है, इस बार 80 सीट है, मतलब फिर भी हम बोल सकते हैं 152-153 उससे और कम तो नहीं हो सकता, 150 के आसपास, 145 से नीचे तो किसी कोई मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिकल में आज के पेपर में 150 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं +2 +3 में पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ आपके लिए था एक इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एक जनरल ब्रीफिंग, बाकी के लिए नेक्स्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।